अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो कि काफ़ी कमेंट आते हैं यार, काफ़ी मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग मैसेज करते हैं कि यार हमें इको लेना है, लेकिन हम कौन सा लें, हम तो कन्फ्यूज हैं, इको लेने में ही कन्फ्यूज है कौन सा इको लें। तो मैंने इस पर वीडियो काफ़ी बनाए हैं, लेकिन आज एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रोज़ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और खूब शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो रहेगी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। और जो वीडियो आप तक आती है तो आप उसको शेयर भी करें यार, प्लीज़ बराए मेहरबानी। तो बस आज इसी ताल्लुक से मैं बात करने जा रहा हूँ। तो बहुत काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि यार हम कौन सा इको लें, हम तो परेशान हो गए हैं, वो इको लिया था वो ऐसा निकला, ये इको में नाक पढ़ने का नहीं जमता, ये ऐसा ये वो सब। तो आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है। अब आप मुझे बोलते हो कि बॉस में, जैसे बॉस कंपनी के जो इको आते हैं उसमें सबसे बेस्ट इको कौन सा है? देखिए सबसे बेस्ट इको तो सबको पता है, ठीक है ना, और सब ज़्यादा करके 90% वही इको यूज़ करते हैं। सबसे बेस्ट इको जो है वो DD6 ही है, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दूसरे इको, लेकिन मैं सबके बारे में आपको बता रहा हूँ। DD6 इको अच्छा है क्योंकि उसमें अपने को ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। अब कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि भाई मेरे पास DD7 है, मेरे पास बहुत अच्छा DD7 है, तो मैं उसके लिए भी ना नहीं बोल रहा हूँ। देखिए DD7 भी बेस्ट है, बहुत अच्छा DD7, ठीक है, लेकिन जो DD6 का आउटपुट है ना भाई, वो कोई इको में आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ तक कि DD6 को काफ़ी वक्त हो गया बंद होके भी, और कुछ पीस ऐसे है जो अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं, कुछ बहुत बुरी कंडीशन में मिलते हैं, लेकिन हमें कंडीशन नहीं देखना, हमें उसकी क्वालिटी देखनी है। मैंने 90% DD6 दे लोगों को दिया, सेकेंड हैंड ही दिया, ठीक है ना, 95%, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा अच्छी कंडीशन में मैंने दिया रहेगा तो उसकी प्राइस भी सामने से वैसी आती है, लेकिन ऐसी बात नहीं कोई DD अच्छा नहीं है, ठीक है ना। एक DD2 आता है चाइना का, वो भी बहुत अच्छा आता है। जैसे आप लोग शुरुआत कर रहे हैं नाथ खाने के, मैंने कई लोग ऐसे देखे मुझे ऑडियो भेजते हैं कि यार असल हमारी वॉइस ऐसी है, हमें किस तरह का इको लेना चाहिए, हमें किस तरह की इको की ज़रूरत है। तो मैं बहुत सारे लोगों का वॉइस सुना हूँ, तो उनके लिए बेहतर जो है DD2 है, वो आपको 4000 की रेंज में या मिल जाएगा उससे आसपास में जो भी, ठीक है ना। ऑनलाइन आप मंगा ले DMart या IndiaMart से, वहाँ से मिल जाता है ऑनलाइन, ठीक है। और दूसरी बात जो है, अब जैसे थोड़े अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छे उनको पता चल रहा है DD चलाने का वगैरह थोड़ा बहुत, मैं खर्चा आप करते हो ना फालतू का, उससे आपको रोकना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो लोग DD3 ले, DD3 बेस्ट है। DD3T जो है वो कोई बुरा इको नहीं है, बहुत अच्छा है अगर आप अपने लिए ले रहे तो। अब देखिए आप कंपेरिजन में जाएंगे ना, मतलब कंपेयर करने जा रहे हो आप कि भाई मुझे DD8 से इस अपने से DD6 से इसको कंपेयर करना है DD7 से, तो कंपेयर आप उसको नहीं करना है ना, आपको उसको बस उसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट के हिसाब से आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है। अब आती है बारी कि DD7 बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छा इको है यार, बहुत ज़बरदस्त है, बस उसको चलाने वाला बंदा चाहिए, बहुत अच्छा है। उसमें आपको इफ़ेक्ट भी अच्छे अच्छे मिलेंगे DD7 में जो है, ठीक है। DD7 की तो जो क्वालिटी है वो थोड़ी चेंज ही रहती है थोड़ी, ठीक है ना, उसमें इफ़ेक्ट भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बस चलाने वाला बंदा। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता। अब आती है बात DD5 की, तो DD5 का भी यही फंडा है कि इको इतना, मैं बोल रहा हूँ DD6 से भी जो बेहतर इको है वो DD5 है, ठीक है। लेकिन DD5 में सबसे पहली बात तो एक ही इको में, एक ही जैक में, एक ही माइक में जो है इको आएगा, ठीक है ना। अगर उसमें और एक आपको इको चाहिए तो एक और पास में इको दूसरा लगाना पड़ेगा। ये DD5 में ये फंडा है इसका, बाकी इको नो डाउट वन ऑफ बेस्ट है, इको बहुत अच्छा इको है, ठीक है। तो DD5 भी आप ले सकते हैं, और महंगा भी है DD5, बोल रहा हूँ बहुत महंगा आता है DD5। कोई बंदा अगर सस्ता दे दे तो ले लेने आप, बहुत अच्छा आता है DD5। अब बस उसमें जो है स्ट्रॉन्ग चलता है और अच्छा चलता है, टेम्पो टाइप चलता है, थोड़ा लॉन्ग डिले झम झम करके थोड़ा पूरा बहुत अच्छा ही, अलग ही पूरा लगता है, माशाल्लाह अच्छा लगता है, ठीक है। अब आती है बारी DD6 की, तो मैं 2017 या 18 से मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, DD6 को, ठीक है। मुझे यार मैंने बहुत सारे इको यूज़ किए हैं, मैंने DD2 से शुरुआत की थी, मैंने सारे इको अपने हाथ के नीचे से निकाल लिए, लेकिन जब मेरे पास DD6 आया तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बहुत मुझे एक बहुत मज़ा आया उसमें माशाल्लाह, और बहुत अलग ही लगता है DD6 का जो आउटपुट है, ये सब बहुत अच्छा लगता है, उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा आता है,
दूसरी बात है उसमें हम ऑप्शन में इतने लॉन्ग डिले में टेम्पो आप स्टार्ट कर सकते हो, लॉन्ग डिले से उल्टा चला सकते हो, उल्टा इको चला सकते हो, वार्प मोड चला सकते हो। और रही बात सराउंड चलाना, तो एक छोटी सी केबल ले लीजिए आगे लगाइए और सराउंड चलाइए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन सराउंड जो चलता है उसमें DD6 में। अब मैं आपको बताता हूँ आखिरी, वो है DD8 जो अभी अपकमिंग है और लेटेस्ट है। मैंने उसको को चलाया नहीं अभी तक, ऐसे तो चलाया है लेकिन जिस हिसाब से चलाना उस हिसाब से नहीं चलाया मैंने। DD8 भी देखिए बहुत अच्छा है लेकिन उसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ 17,000 ऐसे मुझे किसी भाई ने बोला था कि ऑनलाइन इतना महंगा मिलता है, लेकिन इतना महंगा है नहीं, शायद वो कम ही रेंज वाला है। तो आप देखिए DD8 भी लेंगे ना तो बेहतर ही। अगर आपको DD6 नहीं समझ में आ रहा है कि भाई अभी तो जूना वाला ऐसा ये सब तो नहीं समझ रहा, तो DD8 ले लीजिए आप, बहुत अच्छा आता DD8 भी, बस आपको उसको सीखना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं। DD6 में DD3 में क्या फंडा है ना, सीधा ही फंडा है, दो केबल लगाई 800 पे चलाइए एकदम चलेगा आपके DD3 की तरह ही सादा, मतलब जो अपने को सिंपल में आए समझ में आए वैसा ही को। तो ये चीज़ जो है DD6 में ही मिलती है, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ पूछना है किसी बारे में, वीडियो बनाना तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उस पर मुकम्मल वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं।